वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सब दे हरमन प्यारे प्रोग्राम देर रोगता दे विच अज फिर दोबारा स्वागत है। अज दा जिहड़ा असीं एक विशा लवांगे, जिदा मैं पहले विषय पिछले विषयां च भी दस्या, अन्न बनाउण दे तरीके दे नाल, उस दे विच असीं की करना है कि किचन जिहड़ी है साडी, रसोई रसोई दी जिहड़ी साफ संभाल है वो बहुत जरूरी है। घर दी साफ संभाल जिहनूं असीं कहिंदे सैनिटाइज रखना, होम नूं, घर नूं और अपने ऑफिस नूं सैनिटाइज करके रखो, अपने हत्थां नूं सैनिटाइज रखो। क्लीनिनेस बहुत जरूरी है। जिन्नी तुहाडी हत्थ दी जिहड़ी सैनिटेशन है, हत्थ साफ रखोगे, खाना जिहड़ा अंदर जा रहा है वो भी तुहाडा अंदर साफ जाएगा। गंदे हत्थां नाल खाओगे ना खून होणगे, हत्थ साफ नहीं होणगे, उहदे नाल वो मैल तुहाडे सारे पेट 'च जाएगी, बीमारियां दे तुसीं कारण बणोगे। उस तों इलावा आ जाता है साडे घर दी सफाई। घर दी सफाई दे विच तुहाडे जिहड़े एटलीस्ट असीं पोचा वगैरह यूज़ करदे हां, उहदे विच तुसीं जिद्दां रिलेटिड टू डिसइनफेक्टेंट होंदे ने, रिलेटिड टू फिनॉल हो गया, या असीं उहदे विच कई लोग यूज़ करदे ने डेटॉल दा, एक अद्धा ढक्कन पा लैंदे ने पानी दे विच। एंटीसेप्टिक असीं यूज़ करना है, या तुसीं उहदे च नीम दी पत्तियां भी पा सकदे हो जे असीं देसी तरीके नाल जाना चाहुंदे हां, तां नीम दी पत्तियां नूं पानी 'च उबाल के उहदे अपने पोचे वाले पानी 'च पा लो, तो उहदे नाल एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ दा काम नीम बहुत सोहणा करदी है। इस दे नाल की है कि जिहड़ा तुहाडा क्लीनिनेस जिन्नी सैनिटाइज रहेगा, तुहाडा फर्श क्लीन रहिंदे है, बच्चे है कोई बाहरों धूड़ मिट्टी वाले पैर लैके आया उहदे नाल कल नूं बैक्टीरियाज आउंदे, इनफेक्शनस होंदे ने, उन्हां चीज़ों तो तुसीं अपना बचाव कर सकते हो। उस तो इलावा रूडेंट्स हो जाते हैं, जिहदे मॉस्किटोज हो गए, या घरे आपां रूटीन 'च देखते आपां चूहे कॉकरोचेज होंदे हैं, इन्हां दे लिए भी तुसीं अपने बचाव करने लिए क्लीनिनेस वध तो वध रखो, क्योंकि खाने दे विच कई वारी रब ना करे कोई गलती 'च चीज़ पै जाए तो सारा तुहाडा खाना बणिया बणाया जिहड़ा है अन्न है वो खराब हो जूगा, ते जे रब ना करे वो खा जिहड़ा खाना खाधा गया तो कल नूं होर तुहानूं कोई नवी बीमारियां ना दे बैठे। क्योंकि आम तौर पर होटलों के अनहाइजेनिक सिटी देखी जाती है, पर अपने घर में जिन्ना तुम साफ स्वच्छ रख लो, क्योंकि स्टार्ट हमेशा हर चीज़ एवरी स्टार्ट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम। सो सैनिटाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक लास्ट सैनिटाइजेशन तो होर बहुत वड्डी चीज़ अहम दसना चाहवागा कि जिदा सानू सब नू सवेरे पेट साफ होना बहुत जरूरी है। ये मेरी भैणों नू भरावों नू जिहड़े होटल लाइन के कोई भी काम करते हैं बेनती है, स्वीपिंग दे विच जे थोड़ी होटल इंडस्ट्री है ते या तुसीं अपने घर नूं होममेड तुसीं वाइफ हो मेंटेन करदे हो घर नूं, तो उन्हां नूं बेनती है कि जद भी आप जी राती सोण वेले अपने जिहड़े किचन दे भांडे ने उन्हां नूं इक सार तरीके नाल ला के रखो। खाना खाधा प्लेटां उदां सुटतियां, या बच्चिआं ने कोई इधरों आया उन्हूं प्लेटां नूं तरीके नाल पाणी मार के रखो, गंद उन्हां जिहदे विच ना रखे। जिहड़ा गंद है वो कढ के अपना जिहड़ा है तुहाडा बिन बैग है उहदे 'च पा लो, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੋਕੇਜਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਲੋਕੇਜਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮੈਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਜੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਜੱਗ ਦੋ ਜੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਧੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਮੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਓਰ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।